Greetings, dear partners in our international network. We're so glad to have you for this program today. आज के इस प्रोग्राम में उन तमाम जो हमारे दोस्त हैं जो इंटरनेट के वसीले हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबको खुशामदीद कहते हैं. This program is being recorded especially for our network pastors in Pakistan. और ये जो प्रोग्राम है, ये जो पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं उन सब के लिए बतौर खास रिकॉर्ड किया जा रहा है. I'm being translated by my dear friend Doctor Numan Sarosh. और मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर नुमान सरोश वो मेरा तर्जुमा कर रहे हैं. He has many years of ministry in Pakistan and he'll disclose what he wishes about his ministry when he speaks. और वो बड़े लंबे अरसा से खुदावंद की खिदमत में हैं और इस वक्त भी वो खुदावंद की खिदमत करेंगे. In a few moments we'll have some worship by Pastor Serosh and his dear wife Sister Sadakat. Before she speaks, I want to give you a word. और इससे पहले कि पास्टर नुमान सरोश खुदावंद का कलाम पेश करें, उनकी अहलिया सदाकत सरोश वो खुदावंद की प्रस्तुति करेंगी. The whole purpose of the network is to encourage our network pastors to enjoy more of presence of the Holy Spirit and more power in your lives. हमारा जो खास मकसद है इसका कि हम चाहते हैं कि तमाम जो पासवान हैं उनकी हौसला अफजाई की जाए और खुदावंद के पाक रूह के वसीले से हम इसको कर सके. So let me share this word from you from Galatians chapter 6 and verse 9. गलतियों उसका छठा बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं. Let us not lose heart in doing well, for in due season, in due time, we will reap if we do not grow weary. हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर हम बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे. Thank you, Jesus, that you know that we struggle with. Help us, Lord, today. खुदावन हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू आज हमारी मदद करेगा बिलखुसूस तमाम मुश्किलात में. Through this time of encouragement, encourage weak hands, weak knees and weak feet. और खुदावन खुदा जो नातवा घुटने हैं, नातवा पाँव हैं, नातवा जिंदगी है, उनको हिम्मत देगा और मदद करेगा. Fill us with your Holy Spirit. अपने पाक रूह के वसीले हमें भर दे. To run with endurance the race that is before us. ताकि खुदान वो रेस जो दौड़ हमारे सामने हम उसको दौड़ सकें. Fill your servant with a special anointing to encourage us today. Release the flow of miracles and power just as he speaks. अपने खादम को रूह से भर दे जब वो तेरे कलाम की मुनादी करता है, ताकि मौजज़ात, साइंस और वंडर्स हों. May you be refreshed in the Holy Spirit as you receive this word. और जैसे आप इस कलाम को रिसीव करें, हासिल करें, आप रूह से भरते चले जाएं. Please join me in welcoming Pastor Serosh to our network partner. मेरे साथ मिलकर पास्टर सरोश को वेलकम कहेंगे जो हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा है. खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम. मेरा नाम सदाकत सरोश है. तो आए हम खुदावंद की प्रस्तुति करें. बाइबल में लिखा है कि उसने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम उसकी हमद करें, उसकी सिताइश, उसकी प्रस्तुश करें. तो मैं ज़बूर 119 गाऊँगी, उसकी चंद आयात मैं गाऊँगी. तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान. तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान. तेरे कोल ते आए खुदा, दिल थी में रखदा हाय ईमान. तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान. तेरी उड़ीक विच खुदा अखियां ते होया है फना. तेरी उड़ीक विच तसल्लियाँ तेरी नजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान चमड़े दी मश्क दी प्रस्तिश का गीत मैं आपके सामने गाऊंगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी गवाही है और मेरा ईमान है कि आप ज़रूर इस गवाही से बरकत पाएंगे। जब मेरे फादर पास्टर हिज़किय्याह सरोश ने ये गीत लिखा तो उन्होंने मुझे कहा कि ये गीत गाओ। उस वक्त मैं बहुत बीमार थी और मेरा गला बिल्कुल बंद था, मैं बिल्कुल नहीं गा सकती थी, मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो उन्होंने कहा कि गाओ, मैंने कहा मैं नहीं गा सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप गाओ ये गीत। और जूँ ही मैंने ये गीत गाना शुरू किया तो खुदावंद ने एक बहुत बड़ा मौजज़ा किया। मेरी जूँ जूँ मैं गाती जा रही थी ये गीत, मेरी आवाज़ खुलती जा रही थी। और फिर मैंने ये गीत गाया, जब मंजिल दूर दिखाई दे, इस भीड़ में कुछ ना सुनाई दे, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। याद रखें कि जब भी आपको मंजिल दूर दिखाई देती है तो खुदावंद का वो वादा याद रखें जो उसने किया था कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो वो हमारे साथ है हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा। तो हम कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें और उसका हाथ पकड़ लें। वो हमारे साथ है, उसका हाथ पकड़ें तो वो हमें ज़रूर मंजिल की तरफ लेकर जाएगा। जो मंजिल हम सोचते हैं कि बहुत दूर नज़र आ रही है, वही मंजिल आपके करीब होगी, यीशु नाम में। थैंक यू जीसस। जब मंजिल दूर दिखाई दे, इस भीड़ में कुछ ना सुनाई दे, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब ठोकर लगने वाली हो, ये कश्ती डूबने वाली हो, जब ठोकर लगने वाली हो, ये कश्ती डूबने वाली हो, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन लेना। जब खुशियाँ मातम बन जाए, उम्मीदें खाक में मिल जाए, जब खुशियाँ बन जाए, उम्मीदें खाक में मिल जाए, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। तेरे दिल में हर दम यीशु हो, तेरे प्यार का मौसम यीशु, तेरे दिल में हर दम यीशु हो, तेरे प्यार का मौसम यीशु हो, यीशु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू लेना। जब मंजिल यसु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका दामन छू देना। यसु का हाथ पकड़ लेना, तुम उसका हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिसने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, सलामती दी है और आवाज़ें दी हैं जिनसे हम उसकी हमद और सिताइश कर सकते हैं। तो ज़रूर हम अपने अपने तोड़ों को इस्तेमाल करते रहें, उसकी हमद करते रहें। जो तोड़े उसने हमें दिए हैं हम उन्हें छुपा कर ना रखें, बल्कि उसके जलाल के लिए, उसकी प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल करते रहें, यसु नाम में, आमीन। आप सबको खुदावंद यसु मसीह का नाम सलाम। मैं डॉक्टर पीटर का शुक्रिया अदा करते कि जिन्होंने आज मुझे और सदाकत सरोश को मौका दिया कि हम उनके इस नेटवर्क में आकर खुदावंद के कलाम की मुरादी करें और खुदावंद की इबादत करते हुए उसकी प्रस्तुति करें मिलकर। खुदा उनके कलाम में से हम देखेंगे पैदाइश उसका 5वां बाब और उसकी 21 आयत से लेकर 24 आयत तक हम पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद आप लोग निकालेंगे पैदाइश उसका 5वां बाब, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 5 और उसकी 21 आयत से लेकर 24 आयत तक, स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स नंबर 21 to 24। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और हनोक 65 वर्ष का था जब उससे मतूशिला पैदा हुआ, और मतूशिला की पैदाइश के बाद हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं, और हनोक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई है। और हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गए क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। खुदावंद इस कलाम के वसीले हम सब को बरकत दे, आमीन। हनोक के नाम का मतलब है ऐसा शख्स जिसे किसी खास काम के लिए चुना गया हो, अलग किया गया हो। और हनोक के बारे में दो खास बातें हैं, और पहली बात यह है कि उसने मौत को फेस नहीं किया, वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा उठा लिया गया। और दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसे शख्स का बाप है जिसने सबसे लंबी उम्र गुजारी, जिसका नाम मतूशिला, जिसकी 969 साल कुल उसकी उम्र थी। और बाइबल बयान करती है, जैसे हमने पढ़ा है, कि हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा। एक इसकी तफसीर यह भी है कि हनोक खुदा के साथ ऐसे चलता रहा जैसे उसकी आदत बन गई हो। हम में से हर एक की कोई ना कोई आदत है। कुछ लोग सुबह उठकर कोई खास काम करते हैं, कुछ लोग चाय पीते हैं, यह उनकी आदत है, कुछ लोग किताब पढ़ते हैं, कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं। हर एक की कोई ना कोई मुख्तलिफ आदत है। हनोक की आदत यह थी कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा। काश के मैं और आप भी हम ये सीखें, हम उम्र के जिस हिस्से में भी हों, जिस मकाम पर भी हो, जिस मुल्क में भी हों, जिस जगह पर भी हों, मैं और आप खुदा के साथ साथ चलें। और ये हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तालमुद, जो यहूदियों की एक किताब है जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। उनमें से यह भी वाकया लिखा था कि हनोक के पास बहुत सारे घोड़े थे और वो एक दिन अपने घोड़े पर बैठकर अपने दोस्त के साथ मुलाकात के लिए जा रहा है और वो रास्ते में लोगों को मिलता हुआ जा रहा है और वहां उसका दोस्त भी उसका इंतजार कर रहा है और उसका दोस्त इंतजार करता रहा और हनोक उस तक पहुंचा ही नहीं। अब उसका दोस्त, हनोक का दोस्त, जब उसने बड़ा इंतजार किया तो वो फिर अपने घर से निकला कि मैं देखूं कि हनोक मेरे पास क्यों नहीं आया, क्या वजह बन गई है। तो तालमुल किताब बयान करती है कि रास्ते में लोगों ने उसको बताया कि हमने हनोक को यहाँ से गुजरते देखा और उसने ये भी बताया कि वो आपकी तरफ जा रहा है। हर तरफ ढूंढने के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि हनोक को खुदा ने उठा लिया। अब खुदा के साथ चलना एक बड़ी बात है। लोग, हम सब लोग, हमने बहुत बार सुना है खुदा के पीछे चलना, टू फॉलो द लॉर्ड, टू फॉलो द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के पीछे चलना। लेकिन ये एक और बात है, ये एक और मकाम है कि खुदा के साथ साथ चलना। और मैं समझता हूं कि अगर किसी को कभी मौका मिल जाए कि वो अपने मुल्क के वजीर आज़म या प्रेसिडेंट के साथ एक दिन गुजारे, उसके साथ नाश्ता करे, चाय पिए, लंच करे, रफाकत रखे, गुफ्तगू करे, और वो ये एक दिन उस शख्स के लिए एक यादगार दिन बन जाएगा और वो सारी उम्र लोगों से बातें करेगा, अपने दोस्तों को बताएगा उस दिन के बारे में, अपने रिश्तेदारों को बताएगा, अपने ख़ानदान को बताएगा, अपने बच्चों को बताएगा, अपने बच्चों के बच्चों को भी बताएगा कि फला फला दिन मैंने अपने मुल्क के वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट के साथ मैंने एक दिन गुजारा था। और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मकाम होगा, बड़े ऑनर की बात होगी, इज़्ज़त की बात होगी। तो लेकिन खुदा के साथ चलना, जो बादशाहों का बादशाह है और खुदावंदों का खुदा है, उसके साथ चलना ये कैसी बड़ी बात है। लेकिन फिर इस बात पर गौर करें कि खुदा के साथ जब हम चलते, इसका मतलब है कि जब जहाँ पर वो रुकेगा हम भी रुकेंगे, जहाँ पर वो चलेगा हम भी चलेंगे, जहाँ पर वो जाएगा हम भी जाएंगे। खुदा के साथ चलना ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें खुदा के साथ कैसे चलना है? नंबर एक, मैं तीन बातें इसमें बयान करना चाहता हूं। खुदा के साथ अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी रूह से, अपनी पूरी जान से, अपनी सारी अकल से हमने खुदा के साथ साथ चलना है। ज़बूर 103 उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? ऐ मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है। और एम्पलीफाइड बाइबल में जो एक और वर्जन है उसमें लिखा है, ऐ मेरी जान खुदावंद की प्रशंसा कर और बड़ी लगन के साथ, पूरे दिल के साथ उसकी हम्द कर, उसकी तारीफ कर, और फिर उसने जो कुछ मेरे अंदर रखा है उन सब के साथ उसके मुकद्दस नाम की इबादत कर। अब दाऊद अपने इस एक्सपीरियंस को इसमें बयान करता है कि मैंने और आपने कैसे खुदावंद की इबादत करनी। जो कुछ मुझ में है, इंसान में क्या है? इंसान में रूह है, जान है, बदन है, अकल है, जोर है, टैलेंट्स हैं, खूबियाँ हैं। और दाऊद कहता है जो कुछ खुदावंद ने मुझे दिया मैं उन सब के साथ, मैं खुदावंद की इबादत करूँगा, मैं उसके साथ चलूँगा, मैं उसकी हम्द करूंगा और उसके नाम को जलाल दूंगा। बस का जब लोग खुदा के साथ चलते हैं तो वो बहुत सारी शराइत रखते हैं। अगर खुदा तू मेरा ये काम करेगा तो फिर मैं तेरी इबादत करूंगा। होता है ऐसे, अगर तू मेरा फला फला काम जो रुका हुआ, अगर तू ये कर दे तो फिर मैं चर्च भी जाऊंगा, इबादत भी करूंगा, दुआ भी करूंगा, गीत भी गाऊंगा, मैं तेरी प्रशंसा भी करूंगा। कई बार हम खुदावंद के आगे बहुत सारी कंडीशंस लेकर आते हैं। एक शख्स को मैंने कहा कि भाई आप तकरीबन एक महीना हो गया अब चर्च नहीं आए। उसने कहा जी खुदा जब मुझे 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 पक्की नौकरी देगा, अच्छी नौकरी देगा, मैं फिर चर्च आऊँगा। मैंने कहा नहीं, खुदा का ये असूल नहीं है। बाइबल का क्या असूल है? बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 6वां बाब और उसकी 33 आयत में लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही को, उसकी रास्तबाजी को ढूंढो, फिर ये तमाम चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। बड़े लोग हैं जो सिर्फ चीज़ों के पीछे, बरकत के पीछे, लेकिन याद रखें कि बाइबल का ये असूल है कि पहले उसकी बादशाही की तलाश करनी है और फिर उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी है। खुदा की बादशाही क्या है? जब मैं और आप, जिस घड़ी, जिस लम्हा, जिस वक्त मैं और आप अपना दिल मसीह को देते हैं, उसकी बादशाही हमारे अंदर आ जाती है। वी हैव हिज किंगडम। और फिर उसकी रास्तबाजी, रास्तबाजी दो किस्म की है। एक इंसान की रास्तबाजी, इंसान ये समझता है मैं अच्छे काम करूँगा, मैं किसी को खाना खिलाऊँ, किसी को रोड पार करा दूँ, किसी की हेल्प कर दूँ, तो ये मेरे अच्छे काम है, ये इंसान की रास्तबाजी है। लेकिन बाइबल बयान करती है कि इंसान की रास्तबाजी ऐसी जैसे गंदे कपड़े हैं, गंदी धज्जियाँ हैं। और इंसान की रास्तबाजी खुदा की निगाह में ऐसी है जैसे मैले कुचैले कपड़े हैं। और कई बार हम देखते हैं कि आपने इस बात का मुशाहदा किया होगा कि आप, अगर आपका मेज़ गंदा है तो आप कभी नए कपड़े से मेज़ को साफ़ नहीं करेंगे। आप कहेंगे जी गंदा कपड़ा ले आओ, मैं मेज़ साफ़ करना है। आपकी निगाह में मेज़ लगता है जैसे ये मेज़ साफ़ हो, लेकिन पहले भी उस पर जो जरासीम थे और जो गंदा कपड़ा है उसके भी जरासीम डबल हो गए, बैक्टीरिया डबल हो गया, गंदगी डबल हो गई, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही। आपकी निगाह में मेज़ साफ़ है लेकिन मेरे से और भी गंदा हो गया। यह इंसान की रास्तबाजी है कि इंसान अपने कामों से, अपनी नेकियों से वो अपने आप को पाक और साफ करना चाहता है। याद रखें कि हमारी नेकियां ये कोई काम नहीं आएंगी। हमें जब खुदा की रास्तबाजी मिलेगी तो फिर हम पाक और साफ होंगे। और खुदा की रास्तबाजी कैसे मिलती है? जब मैं और आप मसीह को कबूल करते हैं। देखिए अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। खुदा के साथ जब आपने चलना है तो शरायत ना लेकर आए। लिखा है कि पहले तुम उसकी बादशाही को तलाश करो, उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, फिर ये तमाम चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। ये जो दुनिया की चीज़ें हैं ये साया है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मेरा रुख रोशनी की तरफ होगा तो जो मेरा साया वो किधर होगा? वो पीछे होगा। अगर मेरी पुश्त रोशनी की तरफ होगी, मेरी बैक रोशनी की तरफ होगी, तो मेरा साया मुझसे आगे होगा। मैं बचपन में मैंने कई बार, आपने भी ट्राई किया होगा कि अपने साये को पकड़ने की कोशिश की होगी। मैंने भी कोशिश की। मैं जब छोटा था मैंने कोशिश की कि मैं अपने साये को पकड़ूं, मेरा साया मुझसे आगे था। और जब मैं अपने साये की तरफ बढ़ा उसको पकड़ूं, वो मेरा साया मुझसे आगे निकल गया। मैंने कहा अच्छा ये लगता है कि मेरा साया बड़ा चालाक है, लेकिन मैं भी इसको पकड़ूंगा। मैं खड़ा हो गया और मैंने अपने साये के ऊपर जंप लगाया। चोट लगी मुझे, रगड़ लगी मुझे, लेकिन मैं अपने साये को ना पकड़ सका। आज दुनिया की चीज़ों के पीछे फिरती रहती, मारी मारी फिरती रहती है। और जिन्होंने कहते हैं पंजाबी च रगड़ा लग जाती है, चोटा लग जाती है, लेकिन हाथ फिर भी कुछ नहीं आता। दुनिया यही तो कर रही है। लेकिन याद रखें कि मैं और आप, अगर मेरा और आपका रुख रोशनी की तरफ होगा तो ये तमाम जो हमारा साया है, ये तमाम चीज़ें हमारे पीछे आएंगी। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने अपनी पुश्त रोशनी की तरफ की है। बाइबल बयान करती है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। अगर मेरा और आपका रुख नूर की तरफ होगा, यीशु मसीह की तरफ होगा, तो क्या होगा? वो तमाम चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमारे पीछे आएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ पास्टर डॉक्टर हिज़किय्याह सरोश की एक गवाही। बहुत सारी गवाही हैं, आप में से बहुत सारे लोग उनके नाम से वाकिफ हैं, बल्कि उनको जानते भी होंगे। जब उन्होंने उनका बाइबल स्कूल में आखिरी दिन था, तो ग्रेजुएशन थी, तो एफजीए बाइबल स्कूल वो हर स्टूडेंट को 3 साल तक, जब ग्रेजुएशन हो जाती तो 3 साल तक वो उनकी सपोर्ट करते ताकि वो अपनी मिनिस्ट्री को कैरी ऑन कर सके और ये मिनिस्ट्री में उनकी हेल्प हो। उन्होंने जब ग्रेजुएशन थी तो एक लेटर जेब में डाला, उसमें लिखा था, जो प्रिंसिपल थे उस वक्त पादरी बरकत मिसी और चेयरमैन थे, उनको उन्होंने ये लेटर लिखा कि जनाब, आज के बाद मेरी ये जो सैलरी है, मेरा स्टाइपेंड है, इसको बंद कर दें, इसलिए कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब जो प्रिंसिपल साहब थे उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि हिज़किय्याह, ये तूने क्या लिखा है? लोग तो हमें लिखते हैं कि जी हमें और चाहिए, तो आपने ये उलट काम किया। आपने कहा कि मेरे पैसे बंद कर दें, तो आप कैसे गुजारा करेंगे? आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आप कैसे खुदा की खिदमत करेंगे? उन्होंने कहा कि जनाब, मैं सीखना चाहता हूँ आज से कि मैं इंसानी ज़राए पर भरोसा नहीं रखना चाहता, मैं खुदा पर भरोसा रखना चाहता हूँ। तो ये आज भी बतौर ख़ास ये लेटर आज भी एफजीए में शायद मौजूद हो। अब जब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की तो बहुत सारी मुश्किलात आई, और कई बार जब मैं बहुत छोटा था तो कई बार मैं स्कूल भूखा गया, इसलिए कि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई, तो जब पास्टर हिज़किय्याह सरोश ने दरवाज़ा खोला तो एक शख्स वहाँ पर मौजूद था। उसने कहा कि मैं अंदर आना चाहता हूँ और मैं दुआ करना चाहता हूँ तुम्हारे लिए। पास्टर हिज़किय्याह सरोश ने उनको कहा कि जी आप आएँ, ज़रूर दुआ करें। उन्होंने कहा कि पहले अपनी बीवी से कहा कि मेरे लिए खाना तैयार करें। खाना खाया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे पास घर में जितने पैसे हैं वो सारे मुझे दे दे। उस वक्त बैंक अकाउंट तो था नहीं, तो घर में इधर उधर से वो सारे पैसे इकट्ठे किए, सिक्के भी, हर चीज़। तो कुल मिल मिला के 13 रुपए थे। और वो उनको दे दिए, बुजुर्गों को। इसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे पास जो एक नया सूट है, पेंट कोट, वो भी मुझे दे दे। वो भी दे दिया। लेकिन पास्टर हिज़किय्याह सरोश हैरान थे कि इनको कैसे पता है कि मेरे पास एक नया सूट है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को, अपने बच्चों को बुलाओ। और जब बुलाया तो उन्होंने कोई दुआ नहीं की, ना ये कहा कि हाँ आए हम फला आयत पढ़ें, फला हवाला निकालें, या कोई आयत पढ़ें, या मैं दुआ करूँगा। उन्होंने कहा कि आज के बाद तेरे घर से गुर्बत ख़त्म होगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। पास्टर हिज़किय्याह सरोश ने कहा, जनाब आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा, मैं ये भी नहीं बताऊँगा। उन्होंने कहा, जनाब आपका नाम क्या है? आपने मुझे नाम नहीं बताया। उन्होंने कहा, मैं अपना नाम भी नहीं बताऊँगा। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं आपके पास, आपके साथ बस स्टॉप तक जाता हूँ। उसने कहा, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, इधर ही रहो। और उस शख्स ने दरवाज़ा खोला और देखते देखते वो गायब हो गया। उसके बाद खुदावन ने दरवाजे खोले मिनिस्ट्री के लिए, और पाकिस्तान में सबसे पहले हीलिंग क्रूसेड भी पास्टर हिज़किया सरोश ने किया था रेजानिंग के साथ मिलकर, और सबसे पहला जो सेमिनार था वो भी उन्होंने किया। 600 से ज़्यादा गीत और गज़लें भी लिखी उन्होंने, और खुदावन ने बहुत अपने जलाल का इस्तेमाल किया। अब बात यह है कि जब मैं और आप खुदा के साथ चलेंगे तो फिर खुदा दरवाजे खोलेंगे। कई बार हम अपने तरीके से दरवाजे खोलना चाहते हैं और खुल भी जाते हैं, लेकिन वो बरकत नहीं होती। याद रखें कि मैं और आप खुदा के साथ साथ चलें, और कैसे चलेंगे? पूरे दिल के साथ, पूरी ताकत से, आधे दिल से नहीं। हम खुदा के साथ पूरे दिल के साथ चलेंगे। और दूसरी बात कि हमने कैसे खुदा के साथ चलना है, हम बगैर रुके हुए विदाउट सीजिंग हम खुदा के साथ साथ चलेंगे। आपने पढ़ा बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि हनोक वो 65 साल का था जब उसने खुदा के साथ साथ चलना शुरू किया, जब उसको खुदा की ज़ात का मुकाशवा मिल गया। उसके बाद लिखा है वो 300 साल और खुदा के साथ साथ चलता रहा जब तक वो उठा नहीं लिया गया। आज हम देखते हैं कि खुदा के साथ चलना हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। हालात ख़राब हैं, बदी भी बढ़ती जा रही है, बरगुजीदा भी गिर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा और 300 साल उसने कोई ब्रेक नहीं लगाई। आज हम देखते हैं कि चर्चेज में लोग आते हैं, साल 2 साल बाद गायब हो जाते हैं, फिर आपको उनका पता नहीं चलता। लोग मिनिस्ट्री को शुरू करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो ऐसा 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 फेड आउट होते जा रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त तकरीबन 1200 के करीब हर महीने खुदा के खादम मिनिस्ट्री छोड़ रहे हैं। या तो वो हालात का मुकाबला नहीं कर सकते, आजमाइशों के सामने ठहर नहीं सकते, लेकिन याद रखें कि मैं और आप बगैर रुके हुए हम खुदा के साथ चलें। जब ओलंपिक्स शुरू हुए, खेलों के बड़े मुकाबले, तो ये यूनान से शुरू हुए थे, एथेंस से, और सारे स्टेडियम में तमाम लोगों की ये ख्वाहिश होती थी कि हमारा जो खिलाड़ी है, हमारा जो एथलीट है, वो फर्स्ट आ जाए रेस में। जब रेस होती थी तो हर एक की कोशिश होती कि हमारा जो खिलाड़ी है वो इस रेस में इनाम ले जाए और फर्स्ट आए। अब लोग क्या करते थे कि उस रेसिंग ट्रैक पर वो कीमती चीज़ें फेंक देते थे, सोना, चांदी, ऐसी कीमती चीज़ें, कि ताकि दूसरे खिलाड़ी उनको देखकर रुक जाएं और हमारा जो खिलाड़ी है वो आगे निकल जाए और रेस को जीत जाए। यही काम इबलीस करता है। इबलीस बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने लेकर आता है, बहुत सारी आजमाइशें लेकर आता है। डॉक्टर बिली ग्राम ने कहा कि पहले 10 साल खुदा के खादम बड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद फिर वो उस मेहनत का फल खाना चाहते हैं, और फिर वो आखिरी जो 10 साल हैं वो उसमें वो फिर मंजर से ऐसा ऐसा गायब हो जाते हैं। हम कहते जी बड़ा नाम था, बड़े काम थे, बड़ा ये था, वो किधर गए? लेकिन याद रखें कि मैं और आप हम बगैर रुके हुए आजमाइशों पर गालिब आते हुए हम खुदा के साथ साथ चलते रहे। और याद रखें कि मैं और आप अपनी कुव्वत से, अपनी ताकत से आजमाइशों पर गालिब नहीं आ सकते, हमें खुदा के पाक रूह की जरूरत है। मैं और आप खुदा के साथ साथ चलें। आपने कभी सुना होगा कि आप दोस्त के बारे में, आप दोस्त एक ऐसी कश्ती है जो पानी के अंदर रहती है और वो कभी कभी ऊपर नजर आती है। कई ऐसे मसीह होते हैं इतवार को बड़े जलवे के साथ, बड़े जलाल के साथ वो चर्च जाते हैं, बाकी पूरा हफ्ता वो कहीं गायब रहते हैं, कोई पता नहीं कितने गहने पाई हो रही, कितने की पहन हो रही। नहीं, मैं और आप हर रोज़ वाले मसीह बने और हर रोज़ खुदा के साथ चलें। ये नहीं कि हफ्ते में एक बार या दो बार, नहीं, मैं और आप हर रोज़ खुदा के साथ चलें। आजमाइशें आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन मैं और आप खुदा के साथ साथ चलते रहें, बिला तामुल, बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी ब्रेक के मैं और आप खुदा के साथ साथ चलें। और तीसरी बात कि हम खुदा के साथ वफादारी के साथ चलेंगे। अमसाल की किताब उसका 20वां बाब और 26 आयत में, सॉरी अमसाल 20 बाब की 6 आयत में लिखा है, अक्सर लोग अपना अपना एहसान जताते हैं, लेकिन वफादार आदमी किसको मिलेगा? खुदा चाहता है कि मैं और आप वफादारी से उसके साथ चलें। मुकाशवा 2 बाब की 10 आयत में लिखा है, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। पौलुस रसूल, वो पहले एक ऐसा शख्स था जिसका नाम साउल था, जिसने अपने दिल में यह इरादा किया कि मैं मसीहत को खत्म कर दूंगा, और उसने मसीहों पर बड़े जुल्म किए, बड़ा परसिक्यूट किया उनको। लेकिन यह शख्स जो मसीहों का दुश्मन था, जब इसकी जिंदगी को यीशु मसीह ने बदल दिया, तो यह शख्स मुसीबतों में भी है, परेशानियों में भी है, आजमाइशों में से भी यह गुजर है, लेकिन वो मजबूत रहा, वो वफादार रहा खुदा के साथ। और रोमियों उसके 8वें बाब की 35, 38 और 39 आयत में लिखा है, पौलुस कहते हैं, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। वो कहते हैं, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, और ना कोई और मखलूक। आज सारी दुनिया में मसीहों को परसिक्यूट करने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और कई मुल्कों में कलीसियाएं दुख उठा रही हैं, वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, और मुल्क हो। ऐसे तमाम मुल्कों में जहाँ पर मसीही लोग दुख उठा रहे हैं, ऐसे हालात में मैं और आप, दुखों में भी, परेशानियों में भी, मैं और आप खुदा के साथ वफादारी के साथ जिंदगी गुजारेंगे। आप में से बहुत सारे लोग रिचर्ड वुम्ब्रांड से वाकिफ होंगे। वो रोमानियन था, रोमानिया का था वो, और वो ज्यूश था। उसने मसीह को कबूल किया, और फिर चूंकि वो खुदावंद के नाम के लिए रूहें जीतता था, मुनादी करता था, तो उसको रोमानियन गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। 14 साल तक रिचर्ड वुम्ब्रांड उसने रोमानिया की जेल में गुजारे, और जिस सेल में, जिस कैद खाने में उसको रखा गया, वो तकरीबन 2.5 से 3 फुट बड़ा वो सेल था। अब आप देखें, 2.5 से 3 फुट जगह पे ना आप अच्छी तरह बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं, ना सो सकते हैं, और ऐसे सेल में उसको 14 साल तक रखा। एक दिन रोमानियन गवर्नमेंट ने उसको मैसेज भेजा कि अगर तू यीशु का इनकार कर दे तो हम तुझे यहां से छोड़ देंगे। और उसकी बीवी से उन्होंने बात की, उसकी बीवी उसके तक ये मैसेज लेकर आई कि ये जो गवर्नमेंट है, ये फौजी, ये कहते हैं कि अगर तू एक बार मसीह का इनकार कर दे, हम तुझे यहां से जाने देंगे। उसने कहा अपनी बीवी से, उसने कहा, सबरीना, तुम कभी कभी मुझसे मिलने आती हो, मैं इस जगह पर मौजूद हूं, बेशक ये हर रोज मुझे मारते हैं, मुझे बर्फ पर लटाते हैं, मुझ पर जुल्म करते हैं। उसने कहा, लेकिन इस छोटे से सेल में यीशु मसीह हर रोज़ आता है मेरे पास, और मैं और यीशु घंटों घंटे इस सेल में रफाकत रखते हैं, बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं। उसने कहा मेरे लिए सबसे बड़ी वो जगह है, सबसे खूबसूरत वो जगह है जिसमें यीशु मसीह हो। तो उसने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। फिर उसको नॉर्वे की गवर्नमेंट ने उसको आज़ाद किया तकरीबन $10,000 देकर, और वो अपने मुल्क में उसको ले गया। अब ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि ये तमाम बातें रिचर्ड वुम्ब्रांड ने, नॉर्वे में एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें पास्टर इसके सरोश के साथ, वो भी स्पीकर थे, उन्होंने ये खुद उनको बातें बताई थी। और ये बातें बताने का मकसद ये है कि मैं और आप वफादारी से खुदा के साथ साथ चलें। हालात ये कभी भी अच्छे नहीं होंगे, और ये जो आप सुनते हैं कि ये हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिक्र ना करें, ये सब ठीक हो, नहीं। बाइबल में लिखा है कि हालात तो ख़राब होते जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा था कि काल होगा, मरी होगी, वबाएँ होंगी। फिर खुदावंद ने कहा कि गुनाह बढ़ता जाएगा, बदी बढ़ती जाएगी। ऐसे हालात में मैं और आप, हमारे लिए एक ही उम्मीद है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। याद रखें, आप मिनिस्ट्री में हैं, आपने मिनिस्ट्री को शुरू करना है, अभी आप मिनिस्ट्री में बड़े लंबे अरसे से हैं, जैसे भी हैं आप इस बात को याद रखें कि खुदावंद खुदा जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, वो हमारे साथ है। लेकिन मैं और आप वफादारी से खुदा के साथ साथ चले। हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा, मैं और आप भी खुदा के साथ साथ चलें। आए हम सब आंखें बंद करेंगे, हम एक दुआ करेंगे। ये दुआ करेंगे कि खुदावंद तू हमारी मदद कर, तू अपने जलाल के लिए अपना हाथ बढ़ा। हम उसके साथ एक अहद करेंगे, और अहद ये करेंगे कि खुदावंद हर तरह के हालात में हम तेरे साथ साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, और खुदा ज़रूर हमारी मदद करेगा। आए हम सब आंखें बंद करें और दुआ करें। मैं भी इस दुआ में शरीक हूँ। खुदा मैं इन तमाम बहनों को, भाइयों को, तेरे खादमों को तेरी पाक हुजूरी में पेश करते, और खुदा ये दुआ करते हो जैसे हम अहद करते फिर से खुदा कि हम हमेशा तेरे साथ चलेंगे, हर तरह के हालात में, तंगी हो, मुसीबत हो, परेशानियों, आजमाइशों, हम खुदा को तेरे साथ चलेंगे और तेरे नाम को जलाल देंगे। तू हमारी मदद कर, अपने जलाल के लिए छू ले, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं एक और आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई बीमार हो, कोई परेशान हो, किसी की कोई ज़रूरत हो, आपके घर में कोई ज़रूरत है, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ईमान लाने वालों के दरमियान मौजूद होंगे। मरकज़ की इंजील उसके आखिरी बाब में लिखा है। तो आए हम खुदा पर ईमान लाएं, और खुदावंद आपके लिए एक मुआवजा करेगा। जिस मुसीबत में से, जिस प्रेशर में से आप गुजर रहे हैं, जिस आजमाइश में से आप गुजर रहे हैं, खुदावंद आपकी मदद करेगा। जिस बीमारी में से आप गुजर रहे हैं खुदावंद पर ईमान रखें, वो आपको शिफा देगा। आए हम दुआ करें। खुदा मैं इन तमाम तेरे बंदों के लिए, तेरे बेटे बेटियों के लिए दुआ करता हूँ। अपने कर्म से और फजल से इनको छू ले खुदा हूँ। तमाम बीमारियाँ यीशु नाम से ख़त्म हों, तमाम बदी की कुतें यीशु नाम से जाती रहें, और खुदा दुआ करते कि अपने जलाल के लिए छू कर शिफा दे। और सर से लेकर पाँव तक कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई इन्फेक्शन है, कोई दर्द है, कोई बीमारी है, यीशु नाम से जाती रहे, और खुदा उन तेरे नाम को जलाल मिले। आजमाइशों में इनकी मदद कर, इनको हिम्मत दे खुदा, तो इनकी मदद कर। इसलिए कि खुदा तूने कहा था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। खुदा ये हमारे लिए कितना बड़ा एजाज़ है कि तू हमेशा हमारे साथ है। अपने जलाल के लिए छू ले, अपने जलाल के लिए मदद कर, इन सब के साथ हो। आसमान के दरीचे खोलकर इनकी सारी ज़रूरत को पूरा कर खुदा, तू बड़ी मदद कर। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और एक बार मैं फिर पास्टर डॉक्टर पीटर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम आपके साथ मिलकर खुदावंद की इबादत कर सकें। खुदावंद आप सबके साथ हो। शुक्रिया।